आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे पियो, क्या आप सोच रहे हैं कि आप अकेला पड़ गए हैं इस जीवन के सफर में? आप सोच रहे हैं मुझको कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? तो मेरे पियो, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। इस दुनिया में आपके साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है। जी मेरे पियो, ये मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। यह आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका जो वचन है वो सदा काल तक बना रहेगा। यूहन्ना 14 अध्याय के उसके 18 पद को देखेंगे मेरे पियो, तो वहां पास यीशु मसीह हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, वो हमारे साथ एक सहायक भेजा है जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है जीवन के हर एक सफर में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं तो प्रभु हमारे लिए आरिश्चय क्रम करता है। यह कहता है यूहन्ना 14 अध्याय के 14 पद में, तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हम उसके नाम से विश्वास के साथ मेरे पियो मांगने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में आरिश्चय कर्म करने के लिए तैयार है। 13 पद में कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। लेकिन हम विश्वास के साथ मांगे मेरे पियो, जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु की आरिश्चय कर्म को हम अपने जीवन में होते देखेंगे। विश्वास के साथ की हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जो कुछ हम विश्वास के साथ हम मांगते हैं, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है, उसका उत्तर भी देता है। यर्मिया 29 अध्याय के उसके 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं मेरे पियो, वो ज्योतों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, मांगने से पहले वो हमें देने वाला परमेश्वर है। केवल हम सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आए। बिना विश्वास हम उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। विश्वास करोगे और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में, अपने घरों में देखोगे। तो हमें इस दुनिया में सब छोड़ दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हमारे संग संग रहता है। प्रभु इन वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करे, वचन को उस विजय शरीर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।